अंदर है और अभी प्रतिष्ठा चल रही है बिहार के साथ दिन फाटी बढ़िया तरीके अड्रा को चार्ज लेना था महासचिव के तौर पर और वो पहुंची भी अपने पति को यहां पहुंचाने के बाद वो पहुंची भी कांग्रेस दफ्तर पर जहां पर उन्हें वो कमरा दिया गया है जहां से वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रभार का पूरा काम पूरा करेंगी। लेकिन कांग्रेस की तरफ से सवाल ये उठाया जा रहा है कि ऐसे ही दिन को क्यों चुना गया आखिर पूछताछ के लिए। हालांकि बीजेपी की तरफ से ये बताया जा रहा है कि ये एक प्रक्रिया है और आज ही के दिन वो पूछताछ होनी थी, इस कारण रॉबर्ट वाड्रा को आज ही ईडी के दफ्तर पहुंचना पड़ा। संजय शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस समय जुड़ रहे हैं। संजय, टाइमिंग को लेकर जो कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है, ये टाइमिंग बीजेपी के हाथ में थी या फिर आज होना ही होना था? संजय, मैं ये पूछ रही हूँ कि कांग्रेस की तरफ से आवाज ये हम आरोप लगाए जा रहे हैं कि टाइमिंग आज की क्यों, तो ये सचमुच में राजनीतिक तौर पर बीजेपी के हाथों में ये था कि किस दिन बुलाया जाए उन्हें या फिर प्रक्रिया के आधार पर आज ही जाना था उन्हें? कि प्रक्रिया बहुत पहले से चल रही है, अभी इधर में प्रक्रिया नहीं, लिहाजा ये महज संजोग है। लेकिन ये संजोग भी कैसा है कि एक तरफ प्रियंका वाड्रा पदभार संभाल रही हैं और इधर ये प्रश्न भार संभाल रहे हैं और यहाँ एक ही दिन जिस दिन उन्हें वहाँ दफ्तर में काम संभालना है वो यहाँ ईडी के दफ्तर में सवाल संभाल रहे हैं। तो ऐसे में ईडी के अधिकारियों का ये कहना है कि ये महज एक दिन का मामला नहीं है और ये हफ्ते का भी मामला नहीं है, काफी पहले से इसकी प्लानिंग की जाती है, नोटिस पहले से दिया गया है ताकि तैयारी कर आए आरोपी और वो तमाम चीज़ें जानकारियां जो उन्हें प्रोफार्मा में भरनी पड़ती हैं यहाँ, उन तमाम चीज़ों के साथ आए, तमाम जानकारियां जुटा कर आए और उन यहाँ पर अधिकारियों ने पहले से तैयारियां कर रखी हैं। लिहाजा ये इनका तो ये कहना कि ये महज संजोग है कि आज प्रियंका गांधी के काम संभालने से हमारा कोई लेना देना नहीं, ना हमारा चुनाव से लेना देना है। हाँ, लेकिन ये बहुत दिनों से मामला चूंकि चल रहा है लिहाजा इसको संजोग ही कहा जाए। लेकिन सारे सवाल जवाब आज खत्म हो चुके हैं या फिर ऐसा अंदेशा है कि वो आगे भी बुलाए जाएंगे? नहीं श्वेता, ये यहाँ ये जो दफ्तर है ये एक तरह का ऐसा महकमा है कि इसमें एक सिटिंग में आज तक रिकॉर्ड नहीं है कि किसी के भी सवाल जवाब खत्म हो गए हों। 22 से ज्यादा यानी 2 दर्जन से ज्यादा सवालों की फेहरिस्त इनके पास है, मुश्किल से 4 या 5 सवालों के जवाब आए होंगे क्योंकि ये लंबी प्रक्रिया है, शनि की तरह धीरे धीरे चलने वाला मामला है। इसमें पहले सवाल पूछते हैं और बहुत सारी चीज़ें भरनी पड़ती हैं, आरोपी को कहा जाता है कि खुद से अपने से वो जवाब वहाँ पर लिखने पड़ते हैं और उन जवाबों पर पहले चर्चा करनी पड़ती है, वो बताना पड़ता है ओरली, फिर वो लिखना पड़ता है, इसके बाद वो टाइप होते हैं, टाइप होने के बाद फिर उनको वो पूरा बयान पढ़ के सुनाया जाता है कि आपका जवाब ये है। सवालों से कई तरह के सवाल निकलते हैं जिनके जवाब देना कई बार महंगा पड़ता है, मुश्किल होता है। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसके बाद कि वो जो बने दूध को खोया कहते हैं, बहुत सारी देर मथने के बाद शायद कुछ थोड़ी सी चीज़ें निकलती हैं। तो ऐसे में ये तय मानिए कि और भी मुहूर्त ऐसे आएंगे जिस पर उनको बुलाया जाएगा और उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। सवाल जवाबों से अगर संतुष्ट नहीं होता है, ईडी के अधिकारी संतुष्ट नहीं होते हैं तो वो उन को अक्यूज को आमने सामने बुलाने के लिए यहाँ उनको भी समन करेंगे और जैसे अदालतों में क्रॉस कराया जाता है वैसे उनको क्रॉस कराया जाएगा नहीं, आमना सामना कराया जाएगा। ये एक लंबी प्रक्रिया है, धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है और बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रखने वाली प्रक्रिया है। आरोपी भी सवालों के जवाब बिल्कुल एक झटके में नहीं देता क्योंकि एक एक शब्द का वहाँ पर मायना निकाला जाता है और वो उनके आगे का भविष्य तय करता है। लिहाजा वकीलों से भी बातचीत की जाती है, वकीलों की भी एक 4-5 वकीलों की टीम अंदर है। कुछ वकील, उनमें से एक दो वकील जिनको हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा है, वो पी चिदम्बरम के टीम का हिस्सा हैं और पी चिदम्बरम, कार्ति चिदम्बरम, उनके मामले जब सुप्रीम कोर्ट में आते हैं उस समय भी वो वकील वहाँ देखे जाते हैं और इस रॉबर्ट वाड्रा की गाड़ी में भी वो वकील देखे गए हैं। तो ऐसे में ये ईडी के सूत्र ये भी बताते हैं कि अगले कुछ दिनों में चिदम्बरम परिवार की भी पेशी यहाँ पर है, यानी कार्ति चिदम्बरम और पी चिदम्बरम की।
फिलहाल बात करते हैं रॉबर्ट वाड्रा की, तो उसमें बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो जिनके जवाब अभी मिले नहीं है। वो सवाल तो अभी सामने रखे भी नहीं गए होंगे, क्योंकि धीरे धीरे एक एक करके सवालों के जवाब आते हैं, सवालों से भी सवाल निकलते हैं, संजय जो जवाब दिए जाते हैं उनसे भी सवाल निकलते हैं, तो जाहिर है कि बात फिर धीरे धीरे। पांच घंटे लगभग पूछताछ ऐसा लग रहा है 4 बजे से शुरुआत हुई थी, हालांकि बीच में ये भी बताया गया कि अपना चश्मा पढ़ने वाला भूल आए थे तो उसे लेने में भी थोड़ा सा समय लगा था, अभी है कि निकल गए? जी शुरू, ये कहा जा रहा है कि वो अंदर ही हैं, ये सिर्फ मीडिया को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की बातें फैलाई जाती हैं जो फैलाई गई हैं। हाँ, ये सच है कि यहाँ से एसपीजी का घेरा हट गया है, यानी प्रियंका गांधी जो यहाँ आने वाली थी वो अब शायद नहीं आएंगी, आएंगी तो वो देर से आएंगी, लेकिन ये खबर जब तक ये गाड़ी, मेरा तब से ये मानना था जब से ये इशारा हुआ मुझे कि वो पीछे के दरवाजे से चले गए हैं, लेकिन ये मानने के लिए मेरे मन में खटका था कि अगर प्रियंका गांधी नहीं आए और रॉबर्ट वाड्रा को पीछे के दरवाजे से निकाल दिया गया है तो इस गाड़ी की नुमाइश यहाँ क्यों है जिस गाड़ी से रॉबर्ट वाड्रा आए थे? अगर एसपीजी अगर इनकी गाड़ी से आते, ईडी की गाड़ी से, तब तो समझ में आता कि उन्हें दूसरी गाड़ी से भेज दिया गया, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा जिस अपनी गाड़ी से आए हैं वो गाड़ी अंदर है, तो ऐसे में पीछे के दरवाजे से उनको निकालने का कोई औचित्य समझ में नहीं आता। लेकिन अभी हमारे संवाददाता मुनीश पांडे आए और उन्होंने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा स्टिल ही इज इनसाइड, यानी वो अभी भी अंदर हैं और पूछताछ का काम जाहिर है खत्म हो चुका है, अब कुछ कागजी खाना पूरी होगी या फिर वो इंतजार कर रहे होंगे और क्या कारण है जिसकी वजह से रॉबर्ट वाड्रा भी अंदर है, गाड़ी भी अंदर है, प्रियंका गांधी बाहर है, एसपीजी यहां से चली गई है, घेरा हटा लिया गया है, जो क्वाड्रन ऑफ किया गया था रस्सियां बांधकर वो रस्सियां खोल के एसपीजी अपने साथ ले गई, तो ऐसे में ये मैं अपने संवाददाता साथी संवाददाता मुनीश पांडे पर भरोसा कर रहा हूं कि रॉबर्ट वाड्रा अभी अंदर ही है। मोटे तौर पर कुछ सवाल जवाब का खाका कुछ समझ में आया है अभी की, आरोप तो उनके ऊपर समझ में आ रहे हैं कि किन किन चीजों पर उनसे पूछा गया है, लेकिन क्या ये सवाल थे? जो अंदर अंदर से जो खबरें आ रही हैं उसमें ये उनसे सवाल पूछे गए कि मनोज अरोड़ा और संजय इन दोनों को वो जानते हैं क्या, जानते हैं तो किस तरह से उनका रिश्ता रहा है उनका, इसमें से ये कहा जा रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा ने ये ज़रूर कहा है कि हाँ वो मनोज अरोड़ा को जानते हैं, लेकिन उन्होंने संजय जो दूसरे को अक्यूज़ हैं उनके उनसे किसी भी तरह के रिश्ते होने से इनकार किया। जब उन्होंने इनकार किया है तो उसके बाद उनके आगे वो कुछ ईमेल्स जो रॉबर्ट वाड्रा और संजय के बीच आदान प्रदान हुआ ईमेल का, उस ईमेल की कॉपियाँ रखी, कुछ और दस्तावेज रखे, इन्होंने ईडी ने पूछा कि अगर आप नहीं जानते तो फिर ये क्या है, उस पर उनके जवाब गोलमोल से हैं। ऐसे में आगे और चीज़ें कैसे बढ़ेंगी और ये सवाल उससे संबंधित हैं, पेट्रोलियम घोटाला, पेट्रोलियम का पेट्रोलियम वाला सौदा और उससे जो रकम मिली थी जिसके बारे में मनी लॉन्ड्रिंग पीएमएल के एक्ट के पीएल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो मामला दर्ज किया है उसके बारे में पूछताछ है कि ब्रिटेन की यूके की संपत्ति जो एक फ्लैट है और 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ और सामान है, बैंक अकाउंट्स हैं, उनके बारे में उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन मुझे ऐसा अंदर से जो मुझे जानकारी मिली है उसमें यहाँ तक ये मामला पहुँचा नहीं, यहाँ क्वेश्चनार में सारी चीज़ें ज़रूर हैं, फिलहाल ये मामला उनके को अक्यूज से उनकी पहचान और उनके रिश्तों के इर्द गिर्द घूम रहा है, जिस पर रॉबर्ट वाड्रा कुछ का बिल्कुल सीधा जवाब दिया है लेकिन कुछ जवाब में वो जवाब देने के बाद वो फंस गए हैं, चूँकि ईडी ने उनके आगे दस्तावेज और कुछ ऐसे सबूत पेश किए हैं जो जिसके गवाह या तो संजय हैं या रॉबर्ट वाड्रा हैं, तो ऐसे में उनके लिए जवाब देना थोड़ा मुश्किल है। अपने वकीलों से भी उन्होंने बातचीत जाहिर की होगी, क्योंकि वकीलों 3-4 वकील अंदर थे और बीच में बाहर और भीतर भी आते जाते गए हैं, कुछ दस्तावेज कुछ चीज़ें ऐसे सबूत हैं जो शायद दूसरे दफ्तर भेजे भी गए हैं कुछ और जाँच के लिए उनकी तस्दीक के लिए। दरअसल जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो 2 चेहरे हो जाते हैं, एक तरफ आरोप ये लगते हैं सत्ताधारी पार्टी पर कि जो भी हो रहा है वो राजनीतिक रंजिश के कारण हो रहा है, और दूसरी तरफ जो दूसरी पार्टी होती है उसका ये कहना होता है कि देखिए भ्रष्टाचार कितना है। हमारे साथ मुनीश पांडे इस समय हैं कुछ और जानकारी के साथ। जी मुनीश, जी बिल्कुल श्वेता, इस वक्त रॉबर्ट वाड्रा की पूछताछ चल ही रही है, 2 दर्जन से ज़्यादा सवाल थे, कुछ सवालों के जवाब रॉबर्ट वाड्रा ने दिए हैं लेकिन बहुत सारे जो सवाल थे उसके जवाब रॉबर्ट वाड्रा नहीं दे पाए हैं। कुल मिलाकर जो मामला है वो 2009 में एक पेट्रोलियम डील हुई थी उसकी दलाली का मामला है। ईडी का साफ तौर पर कहना है कि उससे जो दलाली मिली थी उससे 12 मिलियन पाउंड की जो प्रॉपर्टी है लंदन में खरीदे गए थे। उस लंदन को प्रॉपर्टी खरीदने के लिए 2 कंपनी बनाई गई थी, दुबई की एक कंपनी थी, एक का नाम था सेंटेक इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड जो कि
ईडी का दावा है कि रॉबर्ट वाड्रा के जो क्लोज एसोसिएट हैं, उनके जो करीबी हैं संजय भंडारी, उनकी एक कंपनी थी, एक दूसरी कंपनी बनाई गई स्काईलाइट इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये जो कंपनी थी ये उनके दूसरे करीबी यानी कि सी थंपनी की कंपनी थी। इन्हीं कंपनियों में पैसा आया, एक दूसरी कंपनी थी वॉटेक्स, उससे शेयर खरीदे गए और कहीं ना कहीं पैसे को घुमा फिरा कर वहाँ पर पहुँचा दिया गया और 12 मिलियन पाउंड से ज़्यादा की प्रॉपर्टी जिसमें से छः फ्लैट और 3 विला लंदन के पॉश इलाके में ये मौजूद है, उन सारे चीज़ों को लेकर रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ हुई है। जो सवालों के जवाब अभी तक रॉबर्ट वाड्रा ने दिए हैं, जो उनके पहचान के जो दो लोग हैं संजय भंडारी और थंपी, इन दोनों लोगों को लेकर रॉबर्ट वाड्रा ने साफ कर दिया है कि इनसे उनके कोई व्यवसायिक संबंध नहीं है। जो 12 मिलियन पाउंड की जो प्रॉपर्टी है उसको लेकर जब रॉबर्ट वाड्रा से पूछा गया, रॉबर्ट वाड्रा ने साफ तौर पर कहा कि ये प्रॉपर्टी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, सीधे तौर पर या बतौर सीधे तौर पे उनसे किसी तरह का लेना देना नहीं है। और जो तीसरे शख्स है मनोज अरोरा, जिनके यहाँ पर रेड करने के बाद में इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है पिछले साल, जिसके बाद में आज यहाँ पर रॉबर्ट वाड्रा को आना पड़ा, कहीं ना कहीं उनका ये कहना है रॉबर्ट वाड्रा का कि उनको वो जानते हैं, लेकिन वो ईमेल जो कि ईडी को मिला, जो कि जोड़ता है इस पूरे कड़ी में रॉबर्ट वाड्रा को, उनका कहना है कि उन्होंने कभी भी मनोज अरोरा को ये पूरा का पूरा जो ईमेल या प्रॉपर्टी को लेकर जो ईमेल था वो लिखने के लिए कभी नहीं बोला हुआ था। तो कुल मिलाकर पूछताछ अभी भी चल रही है, जो दस्तावेज हैं उससे सीधे कन्फ्रंट कराया जा रहा है रॉबर्ट वाड्रा का, क्योंकि कई सारे सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं और सीबीआई का कहना है कि वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं है। हो सकता है कि आज कुछ सवालों के जवाब जो हैं वो ना मिले ईडी को और उसके बाद उन्हें फिर से दोबारा समन के बुलाया जाए, लेकिन कुल मिलाकर वाड्रा का यहां पर आना 2019 इलेक्शन के पहले, ये कहीं ना कहीं इसको बीजेपी भी इस्तेमाल करने वाली है और कांग्रेस भी इस्तेमाल करने वाली है। क्या तारीख तय है आगे कब बुलाया जाएगा? जी, अभी तारीख तय नहीं हुई है, क्योंकि जो मेरी अधिकारियों से बात हुई है उनका कहना है कि इस मामले में जिन अधिकारियों ने पूछताछ अभी की है, जो अधिकारी अभी खुद पूछताछ में शामिल हैं, उनसे एक मीटिंग होगी डायरेक्टर की और उस मीटिंग के बाद में ये तय किया जाएगा कि कौन से ऐसे सवालों के जवाब रॉबर्ट वाड्रा ने दिए हैं जिसको कि क्रॉस वेरीफाई करने का ज़रूरत है, उनको क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा और क्रॉस वेरीफाई करने के बाद में ईडी तय करेगा कि कौन से सवाल हैं जिनके और जवाब तलाशने के लिए वाड्रा को फिर बुलाने की ज़रूरत है, उसके बाद में वाड्रा को दोबारा बुलाया जाएगा। 16 तारीख तक इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हो सकती है रॉबर्ट वाड्रा की, लेकिन ईडी सूत्रों की माने तो जल्द ही इस मामले में फिर से दोबारा वाड्रा को बुलाया जाएगा। जी, प्रवर्तन निदेशालय जो पूछताछ कर रहा है रॉबर्ट वाड्रा से, उस खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। 4 बजे शाम से पूछताछ शुरू हुई थी और जिस तरह की जानकारी है अभी भी वहीं पर रॉबर्ट वाड्रा मौजूद हैं। ड्रॉप करने के लिए आई थी उनकी पत्नी प्रियंका गांधी वाड्रा, लेकिन क्या उन्हें लेने के लिए भी आएंगी? निकलेंगे कब? पूछताछ खत्म हो गई है या नहीं? और अगली तारीख कब होगी? क्योंकि आज पूछताछ की पहली किश्त, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस समय की, और साथ में वो तस्वीर जो ईडी के पूछताछ के दौरान की है। एक तरफ प्रवर्तन निदेशालय जो मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में पूछताछ कर रहा है, कई कड़े सवाल रख रहा है रॉबर्ट वाड्रा के सामने, और दूसरी तरफ वो राजनीति जो इन दीवारों के बाहर हो रही है, जहां बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कांग्रेस पर सवाल पे सवाल दाग रही है, तो कांग्रेस पार्टी जवाब में ये कह रही है कि ये सिर्फ राजनीतिक रंजिश है और कुछ नहीं। मुनीश हमारे संवाददाता लगातार वहां पर बने हुए हैं। मुनीश, जो जानकारी आप दे रहे हैं उसके अनुसार रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ अभी भी जारी है या पूछताछ खत्म है और वो बस निकलने की औपचारिकताएं हैं? जी श्वेता, जो जानकारी अंदर से निकल कर आ रही है, पूछताछ अभी भी चल रही है। कुछ समय पहले तक यहाँ पर इस तरह की सुगबुगाहट थी कि प्रियंका गांधी आ सकती हैं, बाकायदे यहाँ पर एसपीजी भी लगा दिया गया था, लेकिन उसके बाद में एसपीजी को हटा लिया गया, यानी कि प्रियंका गांधी अब नहीं आने वाली। जो गाड़ी है, जिस गाड़ी से वो आए थे, वो अंदर खड़ी कर दी गई है, यानी इतना माना जा रहा है कि ये पूछताछ लंबी चलेगी। एक चीज़ तय है कि ये पूछताछ का समय 12 बजे के पहले खत्म होना है, क्योंकि कानून कहता है कि अगर कोई कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पर आता है पूछताछ में शामिल होने
के लिए, तो उसे 12 बजे के बाद यहाँ रोका नहीं जा सकता। तो 11:50 या 12 बजे इससे पहले तो खत्म हो जाएगा, लेकिन जिस हिसाब से पूछताछ चल रही है, ये गहन पूछताछ, हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ और घंटों तक चलेगा। जो सवाल हैं, सवालों के जवाब तलाशने की ईडी पूरी कोशिश करेगी, और कहीं ना कहीं वाड्रा का जो ये पूरा का पूरा केस सामने आया है उसको लेकर, 2019 के जो इलेक्शन है उसको लेकर भी राजनीतिक तैयारियां अपनी तैयारियां करेंगी। पर राजनीति से परे भी इस तरह के मामलों में इतनी लंबी पूछताछ सामान्य है? श्वेता, जितने भी फाइनेंशियल क्राइम के मामले आते हैं जिसमें, उसमें लंबी पूछताछ होती है, क्योंकि जो एक तरीका होता है पूछताछ का वो बिल्कुल अलग होता है किसी क्राइम के मामले में। इसमें 3 अधिकारी बैठते हैं, एक अधिकारी सवालों की फहरिस्त लेकर बैठता है, वो सवाल पूछता है। अगर सवाल का जवाब सामने जो सस्पेक्ट है या आरोपी है वो बैठा हुआ है इस मामले में, चाहे हम लोग रॉबर्ट वाड्रा को मान सकते हैं, रॉबर्ट वाड्रा जब भी सवाल के जवाब दे रहे हैं, अगर वो पूरी तरह से ईडी संतुष्ट नहीं होता है तो कई बार उनसे दोबारा वो सवाल किए जाते हैं। कुछ जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं, दस्तावेज जो इनके पास पहले से मौजूद हैं, वो दिखाए जाते हैं, और फिर कुल मिलाकर एक सवाल का जवाब मिलने में 15 से 20 मिनट का समय जाता है। और जब जवाब मिल जाता है तो एक और अधिकारी वहां पे बैठा रहता है, वो उसे टाइप करता है, और टाइप करने के बाद में फिर से रॉबर्ट वाड्रा को दिखाया जाता है कि आपने जो जवाब दिया हुआ है वो यही है या इससे परे आप कोई जवाब देना चाहते हैं। एक बार जब उससे संतुष्ट हो गए तब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मामला बहुत ही लंबा होता है। अगर 50-60 सवाल आप मान लीजिए तो कहीं उसमें जवाब देने में कम से कम 5-6 दिन का समय निकल जाता है। इसमें बने रहिए हमारे साथ मुनीश। हम दरअसल इस उस राजनीति का भी विश्लेषण जरूरी है, उसकी टाइमिंग का विश्लेषण जरूरी है, जिस टाइमिंग में कांग्रेस की नई महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आधिकारिक तौर पर कांग्रेस महासचिव की कुर्सी पर बैठी, और इससे पहले वो अपने पति रॉबर्ट वाड्रा को ईडी के दफ्तर तक छोड़कर आई, जिस ईडी के दफ्तर में रॉबर्ट वाड्रा से शाम को 4 बजे से लेकर लगातार पूछताछ चल रही है। 5 घंटे पूछताछ हुई है, कहा जा रहा है उनको दोबारा भी आगे बुलाया जा सकता है। पूछताछ की बातें तो आगे निकलकर सामने आएंगी, लेकिन आज के घटनाक्रम की राजनीति को समझना भी जरूरी है। इस घटनाक्रम से जो राजनीतिक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है उसे भी समझना जरूरी है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में घिरे रॉबर्ट वाड्रा की इस मुस्कुराहट को ऐसे डायलॉग से ही समझा जा सकता है कि तुम्हारे पास ईडी है तो हमारे पास गांधी। क्योंकि ये दिलचस्प था कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में सवालों का सामना करने के लिए ईडी दफ्तर में गेट तक रॉबर्ट वाड्रा को छोड़ने के लिए खुद उनकी पत्नी और कांग्रेस की नई महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आई। लेकिन इससे आगे जो हुआ वो भी कम दिलचस्प नहीं था, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा को ईडी दफ्तर में ड्रॉप करने के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस हेडक्वार्टर के अपने उस ऑफिस में पहुंच गईं, जहां कल ही नए महासचिव के तौर पर उनकी नेम प्लेट लग चुकी थी। रॉबर्ट वाड्रा को ईडी दफ्तर में छोड़कर जब वो कांग्रेस हेडक्वार्टर पहुंची तो रॉबर्ट वाड्रा वाले सवाल पर जवाब ये था कि दुनिया जानती है हो क्या रहा है। अब इसे स्मार्ट पॉलिटिक्स ही कहेंगे, क्योंकि एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा ईडी के अफसरों के सामने बैठे थे तो ठीक उसी वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस की नई महासचिव के तौर पर पहली बार अपनी आधिकारिक सीट पर बैठी थी। वाड्रा को छोड़ने जाना और वहां से आकर अपनी बातों से ये मैसेज देना कि सब फंसाने के लिए हो रहा है, आज की घटनाओं की टाइमिंग का मतलब समझने वाले समझ गए। ठीक एक दिन पहले ही प्रियंका वाड्रा भी विदेश से आई और रॉबर्ट वाड्रा भी विदेश से आए, लेकिन एक कांग्रेस हेडक्वार्टर में महासचिव की सीट पर बैठी तो दूसरे ईडी के अफसरों के सामने सीट पर। रॉबर्ट वाड्रा का तो पता था कि आज ही उनको ईडी के सामने पेश होना है, लेकिन प्रियंका का पक्का नहीं था कि आज ही वो अपनी सीट पर बैठेंगी। लेकिन कल नेम प्लेट और आज सुबह पोस्टर से गांधी परिवार के लिए आज का बड़ा दिन पता चल गया। देखने वाली बात यह है कि इन पोस्टर्स में रॉबर्ट वाड्रा भी दिखाई दे रहे हैं, जिनके ऊपर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और इनकम टैक्स में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी हैं। पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये एक स्ट्रैटेजी है। हाल ही में प्रियंका वाड्रा गांधी ने ऑफिशियली ऑफिस संभाला है, और इसके बाद इन पोस्टर्स का यहाँ पर लग जाना एक अलग ही राजनीतिक स्ट्रैटेजी दिखाता है। कांग्रेस दफ्तर में प्रियंका की आधिकारिक एंट्री की तैयारी और उधर ईडी के दफ्तर में उस केस में रॉबर्ट वाड्रा का इंतजार,
जिस केस को लेकर पूछताछ से पहले ही बीजेपी ने वाड्रा और गांधी परिवार पर तीखे हमले शुरू कर दिए। आज 6 फरवरी है और हम सब जानते हैं कि राहुल गांधी जी के जीजा जी जो बेल पे बाहर हैं, वैसे तो राहुल गांधी जी भी स्वयं बेल पे बाहर हैं, आज वो ईडी के सामने प्रस्तुत होने वाले। बीजेपी की तीखी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जवाब कैसे ना मिलता, कांग्रेस ने भी जवाबी हमला किया कि आज वाड्रा हैं, अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो बीजेपी सोच ले क्या होगा। आज रॉबर्ट वाड्रा का हो रहा है ईडी के सामने, कल मोदी ईडी के सामने खड़े होंगे जब कांग्रेस सरकार आएगी। जो भी सरकार आएगी, कांग्रेस सरकार आएगी, यस, और ये सब लोग लाखों करोड़ के मामले में फंसेंगे। लेकिन वाड्रा के नए केस के बहाने बीजेपी को जो राजनीतिक बारूद मिला है उसे वो कांग्रेस और गांधी परिवार पर फोड़ने में क्यों चूकती। तीखी बातों के साथ बीजेपी प्रवक्ता आए, इसमें वाड्रा के पोस्टर वाली बात का मसाला भी मिल गया। आज सुबह जब हम जगे, टीवी ऑन किया हमने, तो हमने देखा 2 अपराधियों के पोस्टर लगे हुए थे कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के सामने, दोनों ही अपराधी बेल पे बाहर हैं। 5,000 करोड़ रुपए गबन करके नेशनल हेराल्ड केस में और 600 करोड़ रुपए इनकम टैक्स नहीं भर के राहुल गांधी जी अपराधी नंबर 1, और उसी पोस्टर में अपराधी नंबर 2 जो आज पेशी जिनकी हो रही है ईडी के सामने, रॉबर्ट वाड्रा। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनको गूगल में जरा आप वर्ल्ड में किस कैटेगरी में लाया जाता है उसको सर्च कर लें। आपके अध्यक्ष कहां से तड़ी पार हुए थे उनको सर्च कर लें। देखिए कौन प्रवक्ता है, पहले तो सबसे पहले ये बताइए। उनके बहुत सारे ऐसे अन्य प्रवक्ता हैं जिनको ABCD का पता नहीं है। जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हम जीत कर आए तो वैसे प्रवक्ता गायब हो गए। एक दूसरे पर इस तरह के हमलों वाली राजनीति में बीजेपी रॉबर्ट वाड्रा को चुनाव से पहले फिर एक बार बड़ा मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश में लगी है और इसी के बहाने गांधी परिवार को फिर से घेर रही है। कांग्रेस की प्रथम फैमिली बेल फैमिली है, इसका पोस्टर हर हिंदुस्तानी के दिल पे चिपक गया है। हर हिंदुस्तानी आज जानता है कि इस परिवार ने गरीबी हटाओ के नाम पर केवल और केवल अपनी गरीबी हटाई है। एक रोडपति कुछ वर्षों में करोड़पति कैसे बन गया, इसका उत्तर कौन देगा। लेकिन सवाल यह है कि रॉबर्ट वाड्रा और गांधी परिवार को लेकर बीजेपी की ये राजनीति अब कितनी चलेगी, वो भी तब जब इसका जवाब देने के लिए खुद प्रियंका गांधी वाड्रा उतर गई हैं और ये कहकर हमदर्दी जुटाने की कोशिश कर रही हैं कि सब जानते हैं कि ये सब केस क्यों हैं। पूरी दुनिया को मालूम है क्या हो रहा है। सुप्रिया भारद्वाज और मिलन शर्मा के साथ कुमार विक्रांत सिंह, दिल्ली आज तक। ऐसी धारणा रही है कि रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस और गांधी परिवार की कमजोर कड़ी है, क्योंकि उनके ऊपर जिस तरह से आरोप पिछले 5-6 सालों में लगे वो कांग्रेस और गांधी परिवार को राजनीतिक तौर पर बैकफुट पर लाते रहे हैं। लेकिन अब ऐसा साफ दिख रहा है कि कांग्रेस रॉबर्ट वाड्रा को लेकर बैकफुट पर नहीं रहने वाली है। प्रियंका वाड्रा को राजनीति में लाने को भी इसी सोच का एक हिस्सा माना जा रहा है। आपको याद होगा कि जब अचानक प्रियंका वाड्रा को कांग्रेस का महासचिव बनाने का फैसला हुआ था और हर कोई हैरान था कि अचानक कैसे यह हो गया, वो भी तब जब राहुल गांधी राजनीति में जम चुके हैं, तब प्रियंका वाड्रा को लाने का मतलब क्या था और रॉबर्ट वाड्रा पर आरोपों के बीच प्रियंका वाड्रा अपनी राजनीति कैसे आगे बढ़ाएंगी। लेकिन तब प्रियंका की एंट्री को मुख्य तौर पर यूपी की राजनीति से जोड़कर देखा गया था। तभी राहुल गांधी कह रहे थे कि अब कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेलेगी। शायद उनके दिमाग में रॉबर्ट वाड्रा का मामला भी चल रहा होगा, क्योंकि उस वक्त तक रॉबर्ट वाड्रा पर नए केस में शिकंजा कसते दिख रहा था। सुनिए राहुल गांधी ने तब क्या कहा था। भैया देखिए, वो प्रियंका के ऊपर है, मेरा मेन पॉइंट है कि हम बैकफुट पे कहीं नहीं खेलने वाले हैं। हम ना गुजरात में बैकफुट पे खेलेंगे, ना उत्तर प्रदेश पे बैकफुट पे, कहीं भी हम बैकफुट पे नहीं खेलेंगे। और हम राजनीति जनता के लिए करते हैं, विकास के लिए करते हैं, और जहां भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम फ्रंट फुट पे खेलेंगे। आज जिस तरह से प्रियंका वाड्रा रॉबर्ट वाड्रा के साथ ईडी के दफ्तर के गेट तक गई, उसे आप इस फ्रंट फुट और बैकफुट वाली राजनीति को समझ सकते हैं। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला क्या है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय ने उनसे पूछताछ की है, यह हम आपको फिर से बता देते हैं। यह केस लंदन में कई संपत्तियों को खरीदने के आरोपों से जुड़ा है। इन संपत्तियों के बारे में कहा जा रहा है कि ये घूसखोरी की रकम से खरीदी गई।
घूसखोरी की रकम यूपीए राज में हुई दो डील करवाने में मिली थी। डील से जो रिश्वत मिली वो रकम कई जगह से होते हुए इस तरह की प्रॉपर्टी में लगाई गई। वाड्रा पर आरोप है कि वो लंदन में 18 करोड़ के घर फ्लैट सहित इन प्रॉपर्टी के असली मालिक हैं। बीते दिसंबर में इसी केस को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने कई जगह छापे मारे थे। मनोज अरोड़ा नाम के व्यक्ति पर भी प्रवर्तन निदेशालय ने शिकंजा कसा और पूछताछ की थी। मनोज अरोड़ा रॉबर्ट वाड्रा के करीबी बताए जाते हैं और उनकी कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी से जुड़े रहे। अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए मनोज अरोड़ा कोर्ट से 6 फरवरी तक का स्टे ले आए थे। 1 फरवरी को रॉबर्ट वाड्रा भी अपनी गिरफ्तारी की आशंका में अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट पहुंचे थे, जहां से उन्हें 16 फरवरी तक अंतरिम जमानत मिल गई। उसी में 6 फरवरी आज उन्हें ईडी के सामने पेश होने को कहा गया था। वाड्रा के इस नए केस को लेकर बीजेपी हमलावर है। वैसे भी बीजेपी 2014 से रॉबर्ट वाड्रा को लेकर गांधी परिवार और कांग्रेस को घेरती रही है। प्रथम फैमिली बेल फैमिली है, इसका पोस्टर हर हिंदुस्तानी के दिल पे चिपक गया है। हर हिंदुस्तानी आज जानता है कि इस परिवार ने गरीबी हटाओ के नाम पर केवल और केवल अपनी गरीबी हटाई है। एक रोडपति कुछ वर्षों में करोड़पति कैसे बन गया, इसका उत्तर कौन देगा? रॉबर्ट वाड्रा की ईडी में पेशी से ठीक पहले बीजेपी ने गांधी परिवार को घेरा, क्योंकि उन्हें रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ वो नया केस मिला है जिसमें लंदन की कई संपत्तियों को लेकर सवाल है। लंदन के अंदर 8 प्रॉपर्टीज, एक तो 1.9 मिलियन पाउंड्स का, लगभग 19 करोड़ रुपए का एक मैंशन है। दूसरा उससे भी महंगा है, 4 मिलियन पाउंड्स का। तीसरा उससे भी महंगा है, 5 मिलियन पाउंड्स का। और 6 फ्लैट्स। आप सोचिए, 8-9 प्रॉपर्टी ऐसे रॉबर्ट वाड्रा ने लंदन के अंदर जमा के रखा हुआ है। उसी विषय को लेकर आज वो ईडी में जा रहे हैं। ये वही मामला है जिसमें ईडी ने दिसंबर से रॉबर्ट वाड्रा के करीबियों को घेरना शुरू कर दिया था। इसमें सबसे पहले मनोज अरोड़ा पर शिकंजा कसा, जो रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी में काम करते थे और जिन पर विदेश में अघोषित संपत्तियों के बारे में रॉबर्ट वाड्रा का खास आदमी होने का आरोप है। जगदीश शर्मा कौन है? वो रॉबर्ट वाड्रा के स्पेशल मित्र हैं। ही इज अ स्पेशल एड ऑफ रॉबर्ट वाड्रा। जगदीश शर्मा जी से भी पूछताछ हो रही है और ये प्रॉपर्टी जगदीश शर्मा जी के पास ही थी। ईडी ने 7 दिसंबर को वाड्रा के ऑफिस में छापा मारा था। उनके कथित करीबी मनोज अरोड़ा की ईडी में पेशी हुई। उनके करीबी जगदीश शर्मा से पूछताछ हुई। मनोज अरोड़ा और रॉबर्ट वाड्रा दोनों की गिरफ्तारी की आशंका थी, इसलिए दोनों ने 16 फरवरी तक अंतरिम जमानत ले ली। अब ये झूठे आरोप लगा रहे हैं, ये तिल मिला गए हैं। सही बात तो यह है कि मैं सीधा मोदी साहब का विरोध कर रहा हूं। कहीं मुझे तो ये भी लगता है मेरी लड़ाई सीधी मोदी सरकार से है कि मैं भी कहीं पोस्टरों में रह जाऊं, मुझे भी उस पत्रकार की तरह, नेता की तरह मरवा दिया जाए और मैं मरने के लिए तैयार हूं। कांग्रेस और इस परिवार के लिए मैं जान दे सकता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता चाहे कितना आरोप लगाएं। आरोप इसलिए लग रहा है कि मैं परिवार के लिए आवाज उठा रहा हूं, बोल रहा हूं कि रॉबर्ट साहब सही आदमी, ईमानदार आदमी है तो लगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। रॉबर्ट वाड्रा और उनके करीबी पहले से ही ये कहते रहे हैं कि ये सब आरोप राजनीति से प्रेरित हैं, राजनीति की वजह से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन जांच एजेंसियों का शिकंजा दिसंबर से लगातार कसता रहा। नए आरोपों में ये निकल कर आया कि यूपीए राज में हुई दो डील के पैसे से विदेश में संपत्तियां खरीदी गई जिसके असली मालिक कथित तौर पर वाड्रा है। ये एक सेंट्रल थीम है कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो है, जो किकबैक्स आपको डील्स के माध्यम से दलाली करके रॉबर्ट वाड्रा को मिला, उस दलाली के पैसे से रॉबर्ट वाड्रा ने कहां कहां प्रॉपर्टी खरीदी है। दो तरह के पैसे, दो तरह के किकबैक्स रॉबर्ट वाड्रा ने लिए दो सोर्सेस से। एक पेट्रोलियम डील है जो 2009 में यूपीए 1 के समय हुआ था। उस पेट्रोलियम डील से एक बहुत बड़ा रकम रॉबर्ट वाड्रा को मिला था, वो खुलासा हम करेंगे। और दूसरा एक डिफेंस डील है जिसके कारण से बहुत बड़ा किकबैक, दलाली रॉबर्ट वाड्रा को मिला था, जिसके कारण से उन्होंने बाकी प्रॉपर्टीज खरीदी है। सिंटैक इंटरनेशनल, और ये कंपनी आपको जान के आश्चर्य होगा बंधुओं, ये कंपनी किसी और की नहीं बल्कि रॉबर्ट वाड्रा के दाहिने हाथ और आर्म्स डीलर संजय भंडारी की है। इसी सिंटैक कंपनी ने जब पेट्रोलियम डील से 1.9 मिलियन पाउंड की फ्लैट खरीदी, तो ये किकबैक इसी पेट्रोलियम डील से आया था।
लंदन में जो प्रॉपर्टी बताई गई वहां पर आज तक की टीम भी पहुंची। इस प्रॉपर्टी के बारे में कहा जाता है कि इसे हथियारों के दलाल और भगोड़े संजय भंडारी ने 19 लाख पाउंड में खरीदा और 2010 में बेच दिया। आरोप यही है कि इस प्रॉपर्टी के असली मालिक संजय भंडारी नहीं थे बल्कि ये सीक्रेट तरीके से वाड्रा की ही प्रॉपर्टी है। इस वक्त मैं 12 ब्राइनस्टन स्क्वायर के सामने हूँ। मेरे पीछे आप अगर वो काला दरवाजा देख सकते हैं वो है 12 ब्राइनस्टन स्क्वायर। यहाँ में बताया गया कि यहाँ जो फैमिली रहती है वो बहुत समय से नहीं आई है यहाँ पर, लेकिन इस बात पर मतभेद है कि ये सारे फ्लैट्स किसी एक व्यक्ति के हैं या फिर एक फ्लैट किसी व्यक्ति का है। पर 12 फ्लैट नंबर 12 ब्राइनस्टन क्लोज पर एक सवालिया निशान। बीजेपी रॉबर्ट वाड्रा और संजय भंडारी के कथित कनेक्शन को लेकर आरोप पहले भी लगा चुकी है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि संजय भंडारी का यूपीए के राज में हथियारों के सौदे में दबदबा रहा। इन्हीं सौदों की दलाली से मिला पैसा इधर उधर लगाया गया, जिसमें इन आरोपों की जांच का मामला वाड्रा तक पहुंचने से 2019 की चुनावी राजनीति का टेम्परेचर बढ़ने वाला है। आज तक ब्यूरो। ईडी के दफ्तर में रॉबर्ट वाड्रा से क्या पूछताछ हुई, उसमें मुख्य तौर पर क्या सवाल थे वो हम आपको बताते हैं। ईडी की पूछताछ रॉबर्ट वाड्रा से मनोज अरोड़ा के बारे में सवाल हुए। ये पूछा गया कि मनोज अरोड़ा किस हैसियत से उनके लिए काम करते थे। उन कथित ईमेल के बारे में सवाल हुए जो वाड्रा, अरोड़ा और संजय भंडारी के बीच भेजे गए। उनसे पूछा गया कि क्या लंदन में वो किसी प्रॉपर्टी के मालिक हैं, क्योंकि ईडी के पास कथित तौर पर वो दस्तावेज हैं जिसमें वाड्रा लंदन में 3 घर और 6 फ्लैट्स के मालिक बताए गए। रॉबर्ट वाड्रा से संजय भंडारी और उसकी कंपनियों के बारे में पूछताछ हुई। ये पूछा गया कि क्या वो 2005 से 2010 के बीच हुई किसी पेट्रोलियम या डिफेंस डील के बारे में जानते हैं। ईडी का आरोप है कि एक पेट्रोलियम डील से जो रिश्वत मिली उससे लंदन की प्रॉपर्टी खरीदी गई थी। जून 2009 में इस प्रॉपर्टी को हथियारों के दलाल संजय भंडारी ने खरीदी थी। संजय भंडारी की जिस कंपनी को रिश्वत की रकम भेजी गई उसके शेयर बाद में थंपी नाम के कारोबारी की कंपनी को ट्रांसफर हुए। ये थंपी स्काईलाइट्स इन्वेस्टमेंट नाम की कंपनी चलाता था। बाद में स्काईलाइट इन्वेस्टमेंट नाम की कंपनी ही संजय भंडारी के खरीदे घरों की मालिक बन गई और इसी के जरिए सौदों में मिली रिश्वत की रकम को ब्लैक से व्हाइट किया गया। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा ने साफ कहा है कि वो लंदन में ऐसी कोई प्रॉपर्टी के बारे में जानते भी नहीं है। वो मनोज अरोड़ा को तो जानते हैं पर संजय भंडारी से उनका कोई कनेक्शन नहीं और जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो सारे के सारे गलत हैं। कांग्रेस ने जिस तरह से रॉबर्ट वाड्रा का बचाव किया, प्रियंका वाड्रा एक तरह से सुरक्षा कवच के तौर पर दिखी, उससे यही मैसेज है कि वाड्रा को कांग्रेस और गांधी परिवार अपनी कमजोर कड़ी नहीं बनाएगा। इसमें प्रियंका को उतारने का राजनीतिक मैसेज हमदर्दी जुटाने का भी है, क्योंकि प्रियंका वाड्रा ने आज कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि क्या हो रहा है, लेकिन यह मैसेज राजनीतिक तौर पर कितना प्रभावी होगा यह समय ही बताएगा। अब 2019 के चुनाव में यह नए तरीके की लड़ाई है जिसमें राहुल गांधी प्रियंका की एंट्री को लेकर फ्रंट फुट पर खेलने की बात करते रहे हैं तो नरेंद्र मोदी गांधी परिवार पर अपने हमलों का तीखापन बढ़ाते रहे हैं। सूरत में कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर गांधी परिवार और उनके करीबियों पर कैसे हमला बोला था वो फिर से सुनना जरूरी है, कम से कम आज के संदर्भ में। आपको पता है ना वे जमानत पे है, कभी किसी ने सोचा होगा? और भी उनके सारे सागरी दरबारी लोग हैं वो भी जेल कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। और मुझे विश्वास है 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद है ये कोर्ट के चक्कर जितने लगाने लगा ले एक दिन को तो उनको जाना ही पड़ेगा। देश का जिन्होंने लूटा है उन्होंने लौटाना ही पड़ेगा। कहां तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस की महासचिव बनकर अपनी सियासी जिंदगी का प्रारंभ करने वाली प्रियंका वाड्रा के लिए रॉबर्ट वाड्रा एक बोझ बन गए हैं। वहीं आज अपने पति को ईडी दफ्तर तक छोड़ने आई प्रियंका ने यह मैसेज दे दिया कि वो कल भी रॉबर्ट वाड्रा के साथ खड़ी थी और आज भी खड़ी है और आगे भी रॉबर्ट वाड्रा के साथ खड़ी रहेंगी।
ऐसे में अतीत के उन बयानों का जिक्र करना भी जरूरी हो जाता है जिनमें प्रियंका वाड्रा अपने पति रॉबर्ट वाड्रा पर उठने वाले सवालों पर जवाब देती आई हैं। इनमें पति रॉबर्ट वाड्रा का बचाव करना भी शामिल है और नरेंद्र मोदी को जवाब देना भी। प्रियंका वाड्रा के राजनीतिक करियर में रॉबर्ट वाड्रा बोझ बन जाएंगे, ऐसा सोचने वाले लोगों को आज प्रियंका गांधी ने जवाब दे दिया। जिस तरह प्रियंका वाड्रा अपने पति के साथ ईडी के दफ्तर में पहुंची, उससे उनका मैसेज क्लियर हो गया कि अपने पति पर लग रहे आरोपों पर वो बैकफुट पर नहीं खेलेंगी। वैसे प्रियंका वाड्रा पहले भी कभी रॉबर्ट वाड्रा के मामले पर बैकफुट पर नहीं रही। वो साल 2014 था, लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव प्रचार जोरों पर था। मोदी लगभग अपने सभी भाषणों में रॉबर्ट वाड्रा का जिक्र दामाद जी कहकर कर रहे थे और कांग्रेस परिवार पर उन्हें फायदा पहुंचाने और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के आरोप लगा रहे थे। उसी दौरान अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में जब रॉबर्ट वाड्रा को लेकर खुलासा छपा तो नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के विश्रामपुर में एक रैली के दौरान कुछ यूं चुटकी ली थी। पूरे देश को पता चला एक दसवीं कक्षा में पढ़ा हुआ नौजवान, एक दसवीं कक्षा तक पढ़ा हुआ नौजवान जिसके जेब में 1,00,000 रुपया था, 1,00,000 रुपया था और 3 साल में 300 करोड़ रुपया हो गया। ऐसा जादूगर ये है, माँ बेटे का ये मॉडल है, माँ बेटे का ये कारोबार है। जी का तो सुना था, अब जीजा जी का भी सुन लिया। तब प्रियंका वाड्रा रायबरेली में सोनिया गांधी के लिए चुनाव प्रचार कर रही थी और प्रियंका वाड्रा ने रॉबर्ट वाड्रा पर नरेंद्र मोदी के अटैक का जवाब दिया था। बहुत बातें होती हैं, कठोर बातें, मेरे परिवार को जलील करना, मेरे पति के बारे में बहुत बातें कही जाती हैं। मुझे दुख होता है, दुख अपने लिए नहीं है, इस बात का नहीं है कि आप किसी को जलील कर रहे हो और सच्चाई आगे नहीं आ रही है, इस बात का नहीं है कि मैं अपने बच्चों को रोज समझाती हूं कि एक दिन सत्य आगे आएगा, क्योंकि मैंने इंदिरा जी से सीखा था कि जब सच्चाई दिल में होती है, जब दिल का इरादा सही होता है तो एक कवच बन जाता है छाती के अंदर, जितना जलील करते हैं उतना मजबूत बनता है। ये पहली बार था जब प्रियंका गांधी ने सार्वजनिक तौर से अपने पति पर लग रहे आरोपों पर सफाई दी थी। तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री से देश के प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे थे और रैलियों में रॉबर्ट वाड्रा का नाम लेकर कांग्रेस को घेर रहे थे। नरेंद्र मोदी ने जब RSVP वाले हमले में वाड्रा का नाम शामिल किया था तो प्रियंका को जरा भी अच्छा नहीं लगा था। अपनी अगली ही रैली में प्रियंका वाड्रा ने मोदी को जवाब दे दिया था। देखिए, माँ बेटे की सरकार ने ऐसा मॉडल दिया कि जेब में 1,00,000 रुपया है और 4 साल में 300 करोड़ हो जाते हैं। ये RSVP मॉडल है, RSVP। ये ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पूछताछ चल रही थी रॉबर्ट वाड्रा से और अब बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता हमें लगातार जानकारी दे रहे थे कि पूछताछ लगभग खत्म है, सारे सवाल उनसे पूछ लिए गए हैं जितने आज के लिए संभव थे और आने वाले दिनों में दोबारा उनसे पूछताछ हो सकती है। लेकिन आखिरकार यह भी बीच में कहा गया कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा आएंगी अपने पति को पिकअप करने के लिए, भी वहां से ड्रॉप करके गई थी महासचिव की औपचारिक पारी शुरू करने से पहले लेने नहीं आई है, निकले हैं लेकिन रॉबर्ट वाड्रा यहां से। और ये सीधी तस्वीरें आप इस समय की देख रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा से। ईडी की पूछताछ खत्म हो गई है, ईडी दफ्तर से निकले हैं रॉबर्ट वाड्रा। ये सीधी तस्वीरें, ये ताजा तस्वीरें माफ कीजिएगा, हम आपको दिखा रहे हैं प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर से रॉबर्ट वाड्रा निकल चुके हैं, पूछताछ खत्म हो चुकी है। आज दोपहर 4 बजे से ये पूछताछ शुरू हुई। मैं बोलूं If you don't interrupt me, it will be much faster. Sir. Robert Wadra साहब ने कोई गलती नहीं की, ये करी है नंबर वन। इस गवर्नमेंट चाहती है पॉलिटिकल रीजन के लिए उनको हैरेस करना, उनको जयपुर में हैरेस किए, जयपुर में हमने कोर्ट गए,
कोर्ट से हमको प्रोटेक्शन ऑर्डर है, मैं वहाँ जयपुर में अपीयर करूंगा। कोर्ट ने जयपुर में कहा कि आप उनको अरेस्ट नहीं कर सकते, कोई कोर्सिव एक्शन नहीं ले सकते, तो अब ईडी साहब क्या करें। उन्होंने एक नया समन्स जारी कर दिया। उस समन्स में उस समय रॉबर्ट्स वाड्रा साहब अमेरिका में थे, उनकी डॉटर का सर्जरी हो रहा था, तो पीछे से मालूम हुआ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। ही ऑन हिज ओन वेंट टू कोर्ट एंड ही सेड आई एम गोइंग टू अपीयर वॉलंटरली बिफोर ईडी, यू गिव मी अ डेट, आई विल अपीयर ऑन दैट डेट। कोर्ट गेव द डेट ऑफ टुडे, ही हैज अपीयर्ड ऑन हिज ओन इवन विदाउट रिसीविंग अ समन्स। Please note, he has appeared on his own. He received no summons. They perhaps wanted to surprise him. They wanted to harass him for political vendetta. He has appeared. क्या question पूछा क्या? उनको वो खुद आए हैं। खुद आए हैं। अगली बार पूछताछ के लिए बुलाया ईडी ने। अब मैं आपको वो टीवी न्यूज में ऑलरेडी आ गया। नहीं, कब बुलाया सर, प्लीज बता। सर एक बार क्लियर। टीवी न्यूज में ऑलरेडी आ गया, हमको समझ में आया ना उसके पहले। आप टीवी खोल लो, आपको मिल जाएगा। उनसे कल बुलाया है क्या रॉबर्ट वाड्रा, प्लीज बता दीजिए। क्या रॉबर्ट वाड्रा को सर, क्या रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ? हमने जो भी क्वेश्चन उनसे पूछा गया है उन्होंने जवाब दिया है। अभी क्वेश्चन आंसर मैं नहीं कह सकता बिकॉज इन्वेस्टिगेशन ऑन है, हमारा मैटर सब ज्यूडिस है, प्लीज डोंट प्रेजुडिस। हमको हमने अंडरटेकिंग दिया, अब हमको जब बुलाएंगे ही विल कम एंड इज ऑन हिज ओन। अगर कल बुलाएंगे कल जरूर आएंगे, जिस दिन बुलाएंगे वो आएंगे। बोला ईडी ने सर कब आना है, वो मैं अभी नहीं बोलूंगा, वो ईडी से पूछ लीजिए। उनको जब बुलाएंगे आएंगे, वो एक बार भी ईडी का नोटिस को वायलेट नहीं किए। जयपुर में कम से कम 10 या 12 बार नोटिस आए, इस टाइम रिस्पॉन्स किए, काफी समय तो मैं भी गया हूँ। जितना डॉक्यूमेंट मांगे हैं उनको एक बार नहीं दिए, 10 बार दिए। देखिए ये सब बात मैं आज के दिन नहीं बता सकता। यू हैव योर पेशेंस। संजय भंडारी को जानने से मना कर दिया कि मैं संजय भंडारी को नहीं जानता। देखिए आप स्पेसिफिक क्वेश्चन मत पूछिए, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ही इज अ वेरी पोलाइट मैन, ही इज अ वेरी डिसेंट मैन, ही इज अ वेरी वेल बिहेव्ड मैन, ही हैज ऑलवेज बिहेव्ड वेल। Whatever questions is required under law, he will answer. Sir, and he has answered. Sir, क्या ईडी ने कोई तारीख दी है अगली? सर कोई अगली तारीख बताइए सर, कि वाड्रा साहब को कब आना है। सर ईडी ने कोई अगली तारीख दी है सर? सर आपका नाम बता दीजिए, सर आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम जी, मेरा नाम सुमन ज्योति कहता है, एडवोकेट। थैंक यू। ये प्रतीक चड्ढा एडवोकेट, मिस्टर श्याम परवेज एडवोकेट। तो ये जानकारी दे रहे थे रॉबर्ट वाड्रा के वकील, वहां पर निकल चुके हैं रॉबर्ट वाड्रा, ईडी की पूछताछ खत्म हो चुकी है। मुनीश हमारे संवाददाता वहां से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मुनीश, तारीख नहीं मिली है अभी अगली पूछताछ की? जी फिलहाल ईडी जो है उनकी एक मीटिंग होगी, जो बड़े अधिकारी हैं उनकी मीटिंग होगी, और मीटिंग के बाद में जो सवाल और जवाब आज हुए हैं उनको नापा तोला जाएगा और उसके बाद ईडी तारीख तय करेगी। लेकिन कुल मिलाकर ये कुछ ही घंटों का मसला है, थोड़ी देर में हमें जानकारी आ सकती है कि अगली बार रॉबर्ट वाड्रा को कब बुलाया गया है। संजय जी हमारे साथ मौजूद है। संजय जी, वकील से बात की आपने, क्या उन्होंने बताया अगली तारीख कब दी गई है? सुमन ज्योति खेतान उनके वकील, उनका ये कहना है कि जब भी ईडी हमें बुलाएगा, और हम अभी ये नहीं बता सकते कि कब की तारीख है, लेकिन हाँ जब भी ईडी हमें बुलाएगा, रात के 12 बजे, दिन के 2 बजे, किसी भी समय वो यहाँ पर आने को तैयार है रॉबर्ट वाड्रा। और उन्होंने तो पूरा चिट्ठी दे दी, क्लीन चिट दे दी कि वो सबसे ईमानदार हैं, सबसे बढ़िया है, और उन्होंने कोई गलती नहीं की है, और उन्होंने सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। और कौन कौन से हमने पूछा कि भाई क्या उन्होंने मनोज अरोड़ा और संजय भंडारी उन सबको पहचाना नहीं पहचाना, उन्होंने कहा स्पेसिफिक सवालों के जवाब मैं नहीं दूंगा। लेकिन ईडी उनसे ये भी पूछा गया क्या कल का उनको समन दिया गया, उनका ये कहना है कि अगर कल भी ईडी बुलाएगा तो वो कल भी आने को तैयार हैं और सारे सवाल फेस करने को तैयार हैं। और उनका ये भी कहना है कि जितने सबूत हमारे पास थे वो सारी चीज़ें हमने दी और हमने उनके सवालों के जवाब दिए। लेकिन कौन, जब हमने उनसे पर्टिकुलर सवाल पूछे तो सवाल के बारे में उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया। हमने जो अंदर से जानकारी निकाली है उसमें कई ऐसे सवाल थे जिसके जवाब रॉबर्ट वाड्रा ने नहीं दिए हैं, और जैसे ही ये सवाल पूछे गए उनके वकील से कि सवाल जो थे उनके क्या थे, उसके जवाब क्या थे, उनका सीधे तौर पर कहना था इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। और उसके पहले तक वो लगातार बोले थे कि ईडी सिर्फ उनको हैरेस करने के लिए यानी परेशान करने के लिए बुला रही है। उन्होंने बिल्कुल ये साफ साफ कहा कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है और उसके तहत उनको बुलाया जा रहा है, उन्होंने कोई गलती नहीं की, वो सारी चीजें बढ़िया किए हैं, उनका कोई दोष नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, ये सब सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा की वजह से किया जा रहा है। फिर भी उनका तो ये कहना है कि ईडी ने कोई समन नहीं किया था, ही इज इट्स ओन
अपने खुद के मर्जी से वो यहाँ आए और उन्होंने यहाँ समर्पण किया और सारा, तो उन्होंने पूरा महिमा मंडन किया जैसा कि एक क्लाइंट को। मुनीश, जिस तरह की बात उन्होंने की है कि अपने मर्जी से आए, तो उसमें तो जो कांग्रेस का आरोप है टाइमिंग वाला, वही ध्वस्त हो जाता है। जी श्वेता, इसमें दो दिलचस्प बातें हैं जो उन्होंने, उनके वकील ने ये दावा किया कि समन किया गया और हर बार वो आए हैं, दरअसल वैसा नहीं है। मैंने कई केसेस को जो उसमें रॉबर्ट वाड्रा का नाम आ रहा है उनको फॉलो किया हुआ है, समन इशू हुए थे लेकिन रॉबर्ट वाड्रा खुद कभी पेश नहीं हुए, अपने वकीलों को भेज दिए थे। और दूसरी बात, रॉबर्ट वाड्रा खुद से नहीं आए हैं इस मामले में, वो खुद, उनको डर था कि कहीं इस मामले में उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। मुनीश, पहले एक बार वकील की पूरी बात सुनाते हैं। कोई गलती नहीं कि ये करी है, नंबर वन। इस गवर्नमेंट चाहती है पॉलिटिकल रीजन के लिए उनको हैरेस करना, उनको जयपुर में हैरेस किए, जयपुर में हमने कोर्ट गए, कोर्ट से हमको प्रोटेक्शन ऑर्डर है, मैं वहाँ जयपुर में अपीयर करूंगा। कोर्ट ने जयपुर में कहा कि आप उनको अरेस्ट नहीं कर सकते, कोई कोर्सिव एक्शन नहीं ले सकते, तो अब ईडी साहब क्या करें। उन्होंने एक नया समन्स जारी कर दिया, उस समन्स में, उस समय रॉबर्ट वाड्रा साहब अमेरिका में थे, उनकी डॉटर का सर्जरी हो रहा था, तब पीछे से मालूम हुआ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। ही ऑन हिज ओन वेंट टू कोर्ट एंड ही सेड आई एम गोइंग टू अपियर वॉलंटरली बिफोर ईडी, यू गिव मी अ डेट, आई विल अपियर ऑन दैट डेट। कोर्ट गेव द डेट ऑफ टुडे, ही हैज अपियर्ड ऑन हिज ओन इवन विदाउट रिसीविंग अ समन्स। Please note, he has appeared on his own. He received no summons. They perhaps wanted to surprise him. They wanted to harass him for political vendetta. He has appeared. क्या क्वेश्चन पूछा क्या? उनको, वो खुद आए हैं। खुद आए हैं। अगली बार पूछताछ के लिए बुलाया ईडी ने। अब मैं आपको, वो टीवी न्यूज में ऑलरेडी आ गया। नहीं, कब बुलाया सर, प्लीज बता सर, एक बार क्लियर। टीवी न्यूज में ऑलरेडी आ गया, हमको समझ में आया ना उसके पहले। आप टीवी खोल लो, आपको मिल जाएगा। उनसे कल बुलाया है। हमने जो भी क्वेश्चन उनसे पूछा गया है उन्होंने जवाब दिया है। अभी क्वेश्चन आंसर मैं नहीं कह सकता बिकॉज इन्वेस्टिगेशन ऑन है, हमारा मैटर सब ज्यूडिस है, प्लीज डोंट प्रेजुडिस। हमको, हमने अगली कड़ी कब है सर, हमने अंडरटेकिंग दिया, अब हमको जब बुलाएंगे ही विल कम एंड इज ऑन हिज ओन। अगर कल बुलाएंगे कल जरूर आएंगे, जिस दिन बुलाएंगे वो आएंगे। बोला ईडी ने सर कब आना है, वो मैं अभी यदि बोलूंगा, वो ईडी से पूछ लीजिए, उनको जब बुलाएंगे आएंगे। वो एक बार भी ईडी का नोटिस को वायलेट नहीं किए, जयपुर में कम से कम 10 या 12 बार नोटिस आए, इस टाइम रिस्पॉन्स किए काफी समय, तो मैं भी गया, जितना डॉक्यूमेंट मांगे हैं उनको एक बार नहीं दिए, 10 बार दिए। देखिए ये सब बात मैं आज के दिन नहीं बता सकता, यू हैव योर पेशेंस। संजय भंडारी को जानने से, रॉबर्ट वाड्रा के वकील जो कह रहे हैं कि उन्हें समन नहीं दिया गया था, अपनी मर्जी से वो पहुंचे ईडी के दफ्तर पर पूछताछ करने के लिए, लेकिन कांग्रेस की अपनी लाइन से इसमें विरोधाभास है, क्योंकि ये तो मानो एक तरह से ये कहना हो कि रॉबर्ट वाड्रा सोच रहे हो पत्नी जा रही है दफ्तर, आज पहले दिन मुझे ड्रॉप करती हुई चली जाएंगी। बहरहाल देखना होगा कांग्रेस का आधिकारिक लाइन इस पर क्या है। तो रॉबर्ट वाड्रा से 4 बजे शाम से लगातार पूछताछ हो रही थी, अब से बस कुछ देर पहले उनकी गाड़ी निकली है वहां से, उनके वकील सामने आए हैं और उन्होंने पूरी जानकारी दी है कि हर एक चीज में कोऑपरेट किया है रॉबर्ट वाड्रा ने। मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है उसमें जितने भी सवाल उनसे पूछे गए सबका सही तरीके से जवाब उन्होंने दिया है, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगली बार जब भी बुलाया जाएगा वो जरूर आएंगे लुककर। लेकिन राजनीति इस पर पूरी तरीके से दोनों पक्षों की तरफ से हो रही है। खबरदार में आज के लिए इतना ही, देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। ब्रेक के बाद सईद अंसारी के साथ 10 तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।